शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के नाम पर बने सौरभ वन विहार में अब सीसीटीवी कैमरे आशिकों की अश्लील हरकतों पर नजर रखेंगे। इसके लिए बकायदा वन विभाग ने यहां कैमरे स्थापित करने का निर्णय लिया है तथा बकायदा कैमरों को लगाने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई है। यही नहीं, यहां पर बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि सौरभ वन विहार में पिछले लंबे समय से युवाओं द्वारा शराब आदि पीने और प्रेमी जोड़ों द्वारा अश्लील हरकतें करने की शिकायत प्रशासन और वन विभाग को मिल रही थी। इस कारण अब वन विभाग ने वन विहार के मुख्य द्वार से लेकर अंतिम छोर तक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। इसके तहत 24 कैमरे लगाने का प्रावधान है और जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उसने काम भी शुरू कर दिया है। इसका कंट्रोल रूम वन विहार में ही बनाया जाएगा। कैमरे लगने से कुछ हद तक पर्यटन स्थल पर होने वाली हरकतों पर भी लगाम लग सकेगी। डीएफओ वन विभाग पालमपुर बीएस यादव ने कहा कि सौरभ वन विहार में सुरक्षा की दृष्टि और युवक युवतियों की हरकतों से आ रही शिकायतों के चलते 24 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क और म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि म्यूजिकल फाउंटेन शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी के साथ चलेगा। वन विभाग के कर्मचारियों की माने तो सौरभ वन विहार में लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ये प्रावधान किए जा रहे हैं। हाँ, सौरभ वन विहार में एक तो जैसे आप लोगों की भी कंप्लेंट रहती थी कि काफी न्यूसेंस रहती है, तो उसको चेक करने के लिए हमने सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं। मैं कल आपने देखा होगा, आजकल प्रगति पे है कार्य। और फिर इसमें क्या नाम, चिल्ड्रन पार्क बनेगा जो नीचे आप झील के किनारे, थोड़ा काम भी देखा होगा आपने, थोड़ा मिट्टी लगा के उसको प्लेन करके फिर उसमें घास वगैरह लगाने के बाद ताकि वो अच्छा बन जाए, क्योंकि अदरवाइज तो उबड़ खाबड़ है, वो पत्थर ही पत्थर है उसमें, तो उसको लेवल करके फिर उसमें हम HPKV की मदद से उसको और एक झील के ऊपर जो है वो फ्लावर गार्डन उसको बना रहे हैं। साथ ही साथ जो वॉकिंग ट्रेल्स हैं उनको भी हम सुधार रहे हैं, उसमें फिर एक दो गजीबो भी लगेंगे और वहां पे चिल्ड्रन जो पार्क है उसके साथ जो है टॉयलेट्स का भी पूरा प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार की हमारी कार्य योजना है। सीसीटीवी कैमरे कितने लगेंगे सर? और जो झील के नीचे जो है वो वाटरफॉल भी बनेगा और एक स्विमिंग पूल नहीं, वहां पे वो फाउंटेन बनेगा, म्यूजिकल फाउंटेन बनेगा जो नीचे प्लेटफॉर्म जो बना है झील से नीचे, जहां झील से नीचे जो पानी इकट्ठा होता है उससे नीचे एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया है छोटा सा। अभी उसका काम तो नहीं हो पाया, परंतु वी हैव प्लान्ड कि वहां पे म्यूजिकल फाउंटेन जो है वो स्थापित किया जाए और दोनों तरफ उसमें स्टेज लगेंगे, इस तरफ लोग बैठ के जो है उसका आनंद ले सकेंगे।